ग्लोबल टाइम्स ने हाल ही में धमकी दी है कि अब अगर युद्ध हुआ तो भारत का हाल 1962 की जंग से ज्यादा बुरा होगा और उसके और अधिक सैनिक मारे जाएंगे। लेकिन तस्वीर थोड़ी अलग हो चुकी है। चीन की सेना के हौसले बेहद कमजोर हैं और इसकी वजह है चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी। साल 1979 के बाद पैदा हुए चीन के ज्यादातर लोग अपने माता पिता और दादा दादी के इकलौते हैं, जिससे चीनी सेना में ज्यादातर ऐसे जवान शामिल हैं जो अपने माँ बाप के इकलौते होने की वजह से जंग करने से डरते हैं। उन्हें डर होता है कि इस जंग में वो अपनी जान गंवा देंगे। खबर है कि पीएलए के ज्यादातर सैनिक इसी वजह से अब छुट्टी मांग रहे हैं। चीन ने अब वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मान लिया है और 2015 में ही इस पॉलिसी को खत्म करने का ऐलान कर दिया। चीन की 1.5 अरब आबादी में से तकरीबन 40% के आसपास की आबादी अब बूढ़ी हो चुकी है, यानी 40 साल या 50 साल के आसपास, और 2050 तक ये तादाद अब कुल आबादी की आधी हो जाएगी। चीन की एक और कमजोरी है, 1979 के बाद उसकी सेना ने कोई भी जंग नहीं लड़ा। 1967 में भारतीय फौज ने चोला और नाथुला के इलाके में चीन के 1000 से ज़्यादा सिपाहियों को ढेर कर दिया और इस जंग में चीन तकरीबन हार चुका था। उसके बाद समझौते पर बात बन गई। इसी जंग के बाद सिक्किम का भारत में विलय हो गया। चीन की सेना की बुजदली दुनिया देख चुकी है। अफ्रीकी देश सूडान में चीन की फौज शांति सेना के रूप में तैनात हुई थी, लेकिन उस वक्त एक जंग के दौरान शरणार्थी शिविर पर विद्रोहियों ने हमला कर दिया। इसके बाद चीनी सेना मोर्चा छोड़कर भाग गई और सारे शरणार्थी मारे गए। शिविर पर कब्जा हो गया और ये सब हुआ चीनी सेना की बुजदली की वजह से। चीन को ये भी डर है कि भारत उसकी सीमा में घुसकर उसे मार सकता है। एलएसी पर हालात बिगड़े तो भारत एक्शन लेने में थोड़ी भी चूक नहीं दिखाएगा। डी ट्रिस्फ्रा एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट है। उसने बताया है कि चीन की सेना भारत की सीमा के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। भारत के गोगरा बेस से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम के इलाके में चीनी सेना ने कैंप लगा लिया है, लेकिन वहां से वो आगे बढ़ नहीं पा रही। चीन के पास माउंटेन इलाके में लड़ने के लिए वेपन की भारी कमी है। उसके पास ऐसे हथियार या फाइटर इक्विपमेंट्स बहुत कम हैं। चीन को ये भी डर है कि उसके हथियार ऊंचाई पर जाकर बेकार ना हो जाए। चीनी सेना को ऊंचाई वाली जगहों पर युद्ध का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एलएसी पर चीनी सैनिक हाइपोथर्मिया नाम की बीमारी से मारे जा रहे हैं या बीमार पड़ रहे हैं। एक हफ्ते के भीतर 1000 से ज्यादा चीनी सैनिकों को उस बीमारी का शिकार होना पड़ा है। चीनी सेना ठंड में भारत का सामना नहीं कर पाएगी और ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। इसके साथ ही चीनी सेना गुरिल्ला वॉर में बहुत कमजोर है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद पता चल चुका है। एक एक भारत का जवान 5-5 चीनी सैनिकों पर भारी पड़ा। भारतीय जवानों ने चीनी पीएलए के जवानों की गर्दन और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। चीन दावा करता है कि उसके पास 5th जनरेशन का J-20 है जो राफेल से ज्यादा डेवलप है। J-20 का वजन 19 टन का है और इसकी रफ्तार तकरीबन 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी राफेल की रफ्तार के बराबर, जबकि राफेल का वजन सिर्फ 10 टन का है, जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में इसे आसानी से उड़ाया जा सकता है। राफेल में मीटियर, मीका और हैमर जैसी मिसाइल लगी हैं जो 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक हवा से हवा और हवा से जमीन में मार कर सकती हैं, लेकिन J-20 में ऐसी कोई एडवांस फीचर मौजूद नहीं है। साथ ही राफेल का रडार सिस्टम J-20 से ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। चीन के पास तकरीबन 3,500 टैंक हैं जबकि भारत के पास 4,200 से ज्यादा। चीन के पास 33,000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं जबकि भारत के पास तकरीबन 8,600 व्हीकल्स ही हैं। चीन के पास 3,000 से ज्यादा फील्ड आर्टिलरी है जबकि भारत के पास 4,000 से ज्यादा फील्ड आर्टिलरी मौजूद है। चीन के पास 2,650 रॉकेट प्रोजेक्टर है जबकि इंडिया के पास 266 रॉकेट प्रोजेक्टर हैं। चीन के पास 1,232 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं जबकि इंडिया के पास सिर्फ 538 हैं। चीन के पास 371 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट हैं जबकि इंडिया के पास 172 डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट। यानी कहीं कहीं भारत चीन पर भारी नजर आ रहा है और कहीं चीन भारत पर ऐसा मत समझिए कि चीन हावी हो सकता है, क्योंकि चीनी सामानों पर कितना भरोसा किया जा सकता है पूरी दुनिया जानती है। अपने सामानों की तरह ही चीनी सेना के हथियारों की भी हालत है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।